वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2023, और 14 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, यानी कि अब BSF के नए महानिदेशक को नियुक्त हुए हैं। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत पदक के अंदर शीर्ष स्थान पर रहा, और 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सुबह आपको ताजा लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये डेली 6 बजे आपको करंट की क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। PDF वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स में फाइनल खिताब किसने जीता, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और महिला के अंदर आपसे पूछे तो किसने जीता, इगा स्विस्टेक ने जीता है। कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा, तो वो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता, ये जीता है अपने देश भारत ने। किस टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता, तो अपने देश भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियन का खिताब जीता। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया, ये किया है चीन देश ने। किस राज्य सरकार ने एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया, ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमित अग्रवाल, और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक है सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में साई G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये हुआ है गोवा राज्य के अंदर। भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग के अंदर भारत के लिए पहला कौन सा पदक जीता, तो ये जीता है कांस्य पदक। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है जोईता गुप्ता। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डेली आपको शाम को इसकी PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ अब लगातार लाइव बने हुए हैं, एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। एक सूचना मैं आपके लिए दे देता हूँ, लगभग इस महीने के अंतिम में आपको क्या है, राजस्थान प्लस इंडिया की करंट अफेयर्स की बुक हमारी बाजार में आ रही है। बहुत से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर इंडिया करंट की बुक निकालो, तो इस लगभग इस माह के लास्ट में या अंत तक आपको बुक मिल जाएगी बाजार के अंदर। उसमें आपको राजस्थान प्लस इंडिया दोनों का आपको मैटर उसमें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और पूरे तथ्य के साथ भी आपको पूरा जो है बुक के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। बहुत से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, तो लगभग उनका इंतजार खत्म होने वाला है। लगभग पूरी लगभग उम्मीद है कि लगभग हम पूरे जो इस लास्ट के अंत तक लगभग आपको बाजार में बुक मिल जाएगी। और एक मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है अभी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है। जो विद्यार्थी RSSM भी कंप्यूटर संगणक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इंडिया और राजस्थान करंट की मैंने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है मात्र ₹50 के अंदर। और कल मैंने इसमें मई के राजस्थान के और इंडिया के एक एक टेस्ट दोनों के डाल दिए हैं। स्टार्ट भी मैंने कर दिया, मंथली वाइज टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, वीकली वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, मंथली वाइज मंथ के जो वीडियो आते हैं उसके भी टेस्ट मिलेंगे, साथ में जो संडे के जो आपको संडे के दिन जो वीकली क्लास मिलती है ना, उसके भी टेस्ट सीरीज आपको दोनों को मिलते रहेंगे। तो इसमें करंट अफेयर्स का आपका सुपड़ा साफ होगा। तो डाउनलोड करें प्रताप क्लासेज मात्र ₹50 के अंदर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी RSSM भी कंप्यूटर संगणक भर्ती की तैयारी कर रहा है, लगभग इसका अक्टूबर मंथ के अंदर इसका एग्जाम है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ये थोड़ी सी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। अब देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ कौन सी टीम पदक तालिका में सबसे टॉप पर रही है, तो ISSF जूनियर विश्व कप के अंदर 15 पदक के साथ सबसे टॉप पर रही है अपने देश भारत। कौन सा रहा है अपना देश, जो भारतीय टीम है वो इसमें टोटल 15 पदक के साथ सबसे टॉप पर रही है, कौन सी भारतीय टीम। तो ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो, ये है भारतीय टीमों ने
इनमें अलग अलग खिलाड़ियों ने अलग अलग पदक जीते। और ये इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इन्होंने लगभग इसमें क्या है जो 15 पदक जीते, इसमें लगभग निशानेबाज थे। कौन थे निशानेबाज? लगभग इसमें जो खिलाड़ी थे, और निशानेबाज पर एक मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ही शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये बहुत ही इनको क्या है, मोदी जी ने इनको संबोधित किया है, और 15 पदकों के साथ सबसे पदक तालिका में सबसे टॉप पर यह भारतीय टीम। देखो मुख्य तथ्य, यह जर्मनी के अंदर इसका आयोजन हुआ, जर्मनी के सुहल में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप जूनियर में भारत शीर्ष पर रहा, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य सहित 15 पदक जीते हैं। ठीक है, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते, टोटल 15 पदक जीते। भारत अब 2019 के बाद से आयोजित सभी ISSF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पर है रहा है। यानी कि लगभग 2019 के बाद में क्या भारत सबसे इसमें निशानेबाज के अंदर सबसे टॉप पर रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारतीय निशानेबाजों की तारीफ करते हुए लिखा कि हमारे निशानेबाजों ने एक बार फिर देश को गौरवित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे निशानेबाजों ने एक बार फिर से देश को गौरवित किया है, तो इन्होंने संबोधित किया है। तो टोटल 15 पदक जीते, तो भारतीय टीम इसमें टॉप पर रही थी। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है नितिन अग्रवाल को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 नितिन अग्रवाल को। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हैं नितिन अग्रवाल, और इनको BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है इनकी, और आपको पता है लगभग 4 महीने से ये पद खाली था, क्योंकि पहले आपको पता है पंकज कुमार सिंह थे, और पंकज कुमार को वह राष्ट्रीय उप सलाहकार नियुक्त कर दिया। ठीक है, पंकज कुमार सिंह को, लेकिन अब ये 4 माह से पद खाली था, और अब नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। और अब आपको क्या मंथली वाइज आपको मैंने कौन क्या आपको लगभग मंथली वाइज वीडियो मिलता रहेगा। ये हैं केरल कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक DG नियुक्त किया गया है। यह पद लगभग 5 महीने से रिक्त था, यानी कि 5 महीने से खाली था। नितिन अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे। तो ये क्या है कि अब CRPF मुख्यालय के अंदर ये महानिदेशक के रूप में तैनात थे, लेकिन अब इनको BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है? किस स्थान पर है 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है? ये हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, 3 दिवसीय यानी कि 11, 12 और 13, ठीक है, 11, 12 और 13 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की शुरुआत में एक विशेष वीडियो संबोधित दिया, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। और राज्य सरकार ने G20 देशों से आने वाले प्रतिनिधियों को GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प भेंट करने का फैसला किया है। तो आपको बता की बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है G20 की। तो इसमें अभी ताजा G20 जो विकास मंत्रियों की बैठक हुई है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है हुई है, और मैंने आपको अलग से G20 की क्लास भी बढ़िया तरीके से दे रखी है, पूरी डिटेल मैंने आपको उसमें बताई है। किस शहर में आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्रून्स वॉलेंट वृहत फिल्म वृहत चित्र को एक विशेष पुरस्कार मिला है? यानी कि किस शहर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके अंदर हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्रून्स वॉलेंट को क्या है वृहत चित्र के अंदर एक विशेष पुरस्कार मिला? तो ये आयोजित की गई थी जिनेवा के अंदर। कहां पर की गई? जिनेवा के अंदर इसका 4th संस्करण आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब मुख्य तथ्य देखो, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित 4th वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में वहन क्लाइमेट चेंज ट्रून्स वॉलेंट नामक एक वृहत चित्र ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार
जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री को क्या है, हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार मिला, किसको, वहन क्लाइमेट चेंज ट्रुन्स वोलेंट, ठीक है, इसको मिला है। इसके अंदर क्या, इस डॉक्यूमेंट्री का जो निर्देशन है वो राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया और वह विजेताओं में से एक भारतीय, एकमात्र भारतीय थी। ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया, राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया है, जो विजेताओं के अंदर एकमात्र भारतीय इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखो, किस व्यक्ति को एप्सन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, ये क्या है, ध्यान रखना, रसिस्मिका मंदाना, ऑप्शन नंबर डी, किसको किया है, रसिस्मिका मंदाना को क्या है एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखो, एप्सन इंडिया ने अपने इंको टैंक प्रिंटर के लिए रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह प्लेयर रिपोर्ट सात अप टीटी के हेल्थ केयर के स्वामित्व वाले ईवा और अन्य जैसे ब्रांडों का समर्थन करती है और वह भारत में ब्रांडों का समर्थन करने वाली शीर्ष 20 हस्तियों की सूची में नए प्रवेशकों में से एक है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया 2023 का आयोजन किया गया यूएई के अंदर। कहां पर किया गया, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। देखो मुख्य देते हैं, पेपर उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपर अरेबिया 2023 का आयोजन 16 से 18 मई 2023 को दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी को भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग और वाणिज्यिक परिसंघ फिक्की ने इसमें सहयोग दिया है। तो इसका क्या है, 16 से 18 मई 2023 को दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया, कौन सा, पेपर अरेबिया 2023 का आयोजन किया गया है। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है, तो हमारे जो स्वतंत्र प्रभार राज्य प्रभार मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है, और वो है उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर एक कौन सा है, उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र। देखो, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अब ये ध्यान रखना, इनके पास इतने पद है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हैं, कार्मिक भी हैं, लोक शिकायत भी मंत्री हैं, पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देश के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भारत का सर्वाधिक विकसित निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये किसने कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है, तो ये हुआ है इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, इनका 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा इटली के पूर्व प्रधानमंत्री। देखो, 1994 से 2011 के बीच में कई बार इतालवी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले अरबपति मीडिया मुगल सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो चुका है। कितने साल में, 86 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी लिंक है, कोई भी पीडीएफ वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अगर कोई भी विद्यार्थी हमारी, चाहे आपको राजस्थान करंट की पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको इंडिया करंट की पीडीएफ चाहिए, तो वो आपके लिए, तो इस नंबर पे क्या है, आप फोन पे पेटीएम की सुविधा है 8239355343, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। मंथली हमारा चार्ज होता है आपको पता है 10 रुपए, और कोई विद्यार्थी पूरे साल की लेना चाहे तो 50 रुपए में आपको पीडीएफ मिलेगी। चाहे आपको राजस्थान करंट की पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको इंडिया करंट की पीडीएफ चाहिए, मई मंथ तक आपको पूरा डाटा मिलेगा, 2022 की भी साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस पे आप कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके आप
पीडीएफ ले सकते हो। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की, यह की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और आज शाम 8 बजे आपको क्या है, जितनी भी राज्यों की मेन मेन जो योजनाएं हैं, राज्यों की जो योजनाएं जिन्होंने स्टार्ट की है, उसकी शाम को आज आपको क्लास है, शाम को 8 बजे मिलेगी, वो आप जरूर ज्वाइन करना। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और ऐप के अंदर आपको पता है टेस्टरी चल रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो आप जो पूरे साल वाली करंट की जो टेस्टरी चल रही है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, आल एग्जाम 2023 वाली, उसके बाद में सूचना सहायक भर्ती वाली भी चल रही है, ठीक है, जिसमें आपको राजस्थान, इंडिया सब आपको टेस्टरी मिलता रहेगा। तो आप ज्वाइन करें, बढ़िया तरीके से निरंतर आप पढ़ते रहिए, और सुबह ताजा माइंड के साथ आपको ये क्लास है मिलती रहेगी। मिलते हैं शाम को 8 बजे अपने राज्यों की योजनाओं के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।